हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप लोगों ने ही कमेंट करके मुझे बताई है लास्ट कुछ दिनों में, और इसके बारे में मैं कई दिनों से बात करना चाह रहा था। मीन्स ऐसे जनरल एक बात करना बताना चाह रहा था और कुछ आप लोगों से भी पूछना चाह रहा था, और उसमें से काफी सारे कमेंट्स आए थे। तो मेनली उन सारे कमेंट्स को जो कैलकुलेट करके मैंने ओवरऑल एक थिंकिंग बनाई, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग उस पर कितना बिलीव करते हैं, कितना सहमत है या फिर नहीं सहमत है। मीन्स आप लोग हो भी सकते हैं सहमत, नहीं भी हो सकते हैं, बताइएगा आप लोग की थिंकिंग क्या है। बट मेनली एक दो चीजें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला ये कि जो भी चीज बोल रहा हूं वो मैक्सिमम जो है 80-90% आप लोगों से ही मुझे पता चली है, कमेंट के जरिए ही पता चली है। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हुआ है, आप लोगों के साथ ही पता चली है। दूसरा ये कि इसमें जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स का नाम लूंगा, किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जो आप लोगों के कमेंट के थ्रू मुझे पता चला वो बताऊंगा, उसको कैलकुलेट करके ओवरऑल जो एक थिंकिंग बन पा रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अगर बस एक बात ये बोल देता हूं, फर्स्ट टाइम आ गया चैनल पर, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए शॉर्ट टाइम वीडियोस के लिए। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूं, घुमा फिरा के सीधे आ जाते हैं डायरेक्ट बात पे। तो गाइस देखिए, होता क्या है कि आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो वहां पर एक चांसेस ये होता है कि अगर प्राइस गलत लिस्ट हो गया है या फिर मान के चलिए कि प्रोडक्ट अगर क्वांटिटी में नहीं है उतनी ज्यादा, तो वो कैंसिल हो जाता है। मीन्स उसको कैंसिल किया जा सकता है, फाइनल राइट्स जो है वो वेबसाइट के पास होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, जनरली हम लोग कंडीशंस पढ़ते नहीं है, तो वो एक जनरल चीज है, वो हमेशा से होती चली आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आजकल कुछ नई शॉपिंग वेबसाइट्स आ गई हैं, आप क्योंकि देखिए हर दिन एक छोटे मोटे एप्लीकेशन खुल जाते हैं शॉपिंग के, हर दिन एक दो छोटी मोटी वेबसाइट्स खुल जाती हैं जो कपड़े बेचती हैं, शूज बेचती हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अब वो नाम कैसे कमाएंगी, मीन्स कैसे रीच उनकी ज्यादा लोगों तक होगी। तो अब देखिए उसको लेके क्या हो रहा है कि मैं जो फील कर पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट से, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मैंने इस चीज को फील किया कि देखिए लोगों को पहुंचा, लोगों तक अपनी वेबसाइट को पहुंचाना या ऐप को पहुंचाने के लिए एक इस तरह की चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि टॉलरेबल नहीं है, मीन सही चीज नहीं है। अगर वो जानबूझ के की जा रही तो सही नहीं है। तो हो ये रहा है कि प्रोडक्ट को आप क्या होता है कि बहुत सस्ते में दे दिया जाएगा। मीन्स कभी कभी क्या होता है, आप एक रुपए में टी शर्ट दे दी जा रही है, फ्री में टी शर्ट दे दी जा रही है, और कुछ है वो मेडिसिन या कई सारी चीजें जो है वो फ्री में दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि वो लोगों ने बुक कर लिया और काफी ज्यादा मीन्स यूट्यूबर्स ने तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, लगातार हजारों की संख्या में फ्री में वीडियोस, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन हो रहा है, लोगों ने वीडियोस बनाना चालू कर दिए। एक वीडियो पे 1000 व्यूज हैं, उसमें से 500 लोगों ने भी विजिट किया, तो हो गया काम उन लोगों का, फ्री में आपका प्रमोशन हो गया। उसके बाद क्या, हजारों लोगों ने बुकिंग कर दी। उसके बाद लोग खुश हैं कि भैया चलो एक रुपए में मिल गया, यूट्यूबर्स को भी थैंक यू बोल दिया, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन करने लगे कि भैया घर आ जाएगा प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या हुआ, एक दो दिन बाद नोटिफिकेशन आता है कि आपका प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया गया। रीजंस क्या है, रीजंस यही हो सकते हैं कि मिस क्वांटिटी में नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और ये केस एक नहीं, ये बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। अब मैं एक सिंपल सी थिंकिंग ये सोचना मैं बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सी थिंकिंग है, और मैं जनरली इस तरह से ही थिंक मैं सोचता हूँ चीजों को लेकर, हमेशा इस तरह से ही सोचता हूँ। तो मान के चलिए मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास 100 प्रोडक्ट है, मैं 100 कोई भी चीजें हैं जिसको मुझे सेल करना है, 100 है। अगर मुझे 100 ही सेल करना है तो आप ये सिंपल से थिंकिंग है कि मैं 1000 ऑर्डर्स क्यों लूंगा। मिस 100 है तो चलिए ठीक है, मैं 150 ले लूंगा कि बाई चांस भाई 50 आदमियों ने कैंसिल कर दिया। 100 में से मिस 150 में से 50 से ज्यादा आदमी कैंसिल नहीं करेगा, एक रुपए का प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कोई कैंसिल नहीं करेगा। बट 1000 ऑर्डर्स ले लिए, 1500 ऑर्डर्स ले लिए, तो उनका मतलब क्या है कि बाद में आपने कहा कि भैया क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है और इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इतने ज्यादा संख्या में कैंसिल कर देने का मतलब क्या है, फिर लगातार ये चीजें हो रही हैं। चलिए एक बार गलती हो गई, दूसरी बार नेक्स्ट सेल आपने निकाली, उसके बाद फिर यही हुआ, लोगों ने बुक किया और फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि रीच तो पहुंच गई लोगों तक, क्या हुआ लोगों का आपने ईमेल आईडी से सब्सक्राइब भी, मीन्स उस पर जो है ईमेल आईडी से अपना साइनअप भी कर लिया, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। मैं उसके बाद आपने सोचा कि चलो हटाओ एप्लीकेशन, हटा देते हैं, एप्लीकेशन तो आपने हटा दिया बट कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ तो गए, नेक्स्ट टाइम आपको ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, फोन नंबर आपका ले लिया है, फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, भैया ऑफर जबरदस्ती भेजेंगे, मुझे नहीं पसंद है आपके ऑफर, मुझे नहीं लेना है, बट आप क्योंकि रजिस्टर हो चुके हैं तो आपको भेजा ही जाएगा। तो इस तरह की चीजें प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है। मिस मैं ऐसा जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं, मुझे तो यही दिख रहा है कि सस्ते में प्रोडक्ट निकालो, 1-2 रुपए वाली डील निकालो, मिस 0 रुपए वाली हिम्मत निकालो। 0 रुपीज में क्या होता है, आदमी की एक मेंटेलिटी होती है भैया फ्री नहीं हो सकता है, 1 रुपए वाली निकाल देते हैं। 1 रुपए में टी शर्ट निकाल दिया, लोगों ने बुक कर लिया, कुछ कंडीशंस लगा दी, और उसके बाद जो है कुछ लोगों को भेज दिया, सबका कैंसिल नहीं किया। मीन 100 लोगों ने अगर बुक किया, 10-20-30 लोगों को भेज दिया, तो अब अगर 70 लोग बोलेंगे कि भैया हमें नहीं आया, तो 30 लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे कि भैया मेरा तो आ गया। तो कहीं ना कहीं वेबसाइट जेन्युइन प्रूफ भी हो जाती है थोड़ी बहुत, बट वो 70 लोगों की तरफ आदमी नहीं देखता है,
तो वो 70 जो लोग होंगे ना वो नेक्स्ट टाइम कहेंगे भाई अच्छा चलो 30 को मिल गया था तो हम लोग भी फिर से ट्राई करते हैं, वो फिर ट्राई करने लग जाएंगे। और उसमें कई वेबसाइट्स कंडीशन लगा देती हैं कि 5 लोगों को शेयर करो उसके बाद आपको मिलेगा, तो उससे क्या है रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ओवरऑल सबको प्रोडक्ट नहीं मिलता। देखिए सच्चाई है जो मैं देख पाता हूँ और मैं जो कमेंट्स में अपील कर पाता हूँ कि अगर बात करें कि ड्रूम है, ड्रूम के हेलमेट्स बुक कर लिए, लिब्रेट है उस पर कई सारे मिस खुल के अगर मैं बोलूँ लिब्रेट के कई सारे प्रोडक्ट्स कैंसिल हुए थे, ड्रूम के हेलमेट्स बुक करने के बाद कई लोग कैंसिल हो गए थे। इसके बाद स्पॉइल ऐप था उससे टी शर्ट्स थी, और उसके बाद फाइंड ऐप है, इन सब में स्पॉइल ऐप में आई थिंक 5 लोगों को शेयर करो मैंने करा था, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाएंगे सब लोग बना रहे मैं भी बनाऊंगा, 5 लोगों को शेयर किया तो सेलेक्ट साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था और ओवरऑल मैं टी शर्ट बुक नहीं कर पाया फ्री में। तो ये चीजें हैं मिस, अब लोगों को मैंने 5 लोगों का साइनअप भी करवा दिया, अब 5 लोगों की डिटेल्स भी आप तक पहुंच गई और उसके बाद क्या हुआ टी शर्ट्स मुझे मिली नहीं। तो उसमें से कुछ लोगों को मिली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको नहीं मिली है, कुछ लोगों को मिली होंगी मैं श्योर भी नहीं हूँ, कुछ लोगों को मिली जरूर होंगी, बट वो कोई पैमाना नहीं होता। अगर आप 100 ऑर्डर ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप 100 लोगों को तो डिलीवर करिए, आपने 100 ऑर्डर लिए हैं आपके पास 100 टी शर्ट्स होंगी तभी आपने ऑर्डर लिए होंगे, आप कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये प्रमोशन का एक बहुत अच्छा जरिया निकल गया है आजकल, क्योंकि इतनी भीड़ में अपनी पहचान बनानी है तो क्या करें, इस तरह का ऑफर्स निकालिए और आपकी वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूबर्स भी प्रमोट करेंगे और जो यूजर्स होते हैं वो भी प्रमोट करेंगे, आपकी वेबसाइट चल जाएगी और लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी फर्क किसी को नहीं पड़ता है, और इवन यूट्यूबर्स को भी नहीं पड़ता है, वो वीडियो बना देते हैं उनकी जिम्मेदारी भी नहीं, वो भी अपनी जगह सही है, मीन्स वो भी सही है, उनकी गलती भी नहीं है ऑफर जो दिखाए जा रहे हैं, बट थोड़ी सी जवाबदेही बनती है, हम लोगों की भी जवाबदेही बनती है अगर इस तरह का कुछ है तो वेबसाइट से, अगर डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट है तो प्लीज़ उनसे बोला जाए कि आप ऐसा मत करिए, जो आप बुकिंग ले रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए मेरे यूज़र्स ने देखा है, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग भी उसमें। तो बताइएगा आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं, या मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो वो आप शेयर करिएगा जो भी आप सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट्स के जरिए ही मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, लिब्रेट और कई सारे प्रोडक्ट्स कैंसिल कर दिए गए थे लोगों के बुकिंग के बाद। तो बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक नए ऑफर्स नए शॉपिंग टिप्स के साथ, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।